हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिटेल देखेंगे काउंसलिंग का, हाउ टू फिल योर चॉइसेस, आपको चॉइस कैसे फिल करना चाहिए, ठीक है ना। और वीडियो लाइक कर देना यार, वीडियो को पूरा देखना, कल मेरा एग्ज़ाम है, फिर भी मैं रात के 1 बजे बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जो डाउट होगा आपका वो कमेंट सेक्शन में आके लिख देना। तो आपको यहाँ पे पहले क्लिक करना है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन, इंजीनियरिंग एडमिशन, इसमें क्लिक करिए, फिर आपको साइन इन करिए, ठीक है ना। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो जब आप लॉग इन करोगे, अपना एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर डालोगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ जाना है ना, उसके बाद आपको जाना है ये CM, यहाँ पे आपको दिख रहा है सब चीज़, ठीक है। आपका डिटेल CML आपका कितना आया, 531, मैंने एक स्टूडेंट का मांगा है। तो फिर आपको जाना है सेट प्रेफरेंस और एडिट पे, ठीक है ना। तो सेट प्रेफरेंस एडिट पे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांच करना है। तो ब्रांच पहले रखते हैं CSE, ऑब्वियसली पहला सबका चॉइस। सेलेक्ट इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद आते हैं कहाँ पे आपका गवर्नमेंट है, रांची, ओके ऑल गवर्नमेंट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट, अब कॉलेज सर्च मारते हैं तो आया है BID सिंधरी। तो देखना, देखा ना कैसे किया, CS डाला मैंने ब्रांच, फिर गवर्नमेंट डाला, BID सिंधरी। अब BID सिंधरी को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक ऑप्शन मेरा ऐड हो गया, यहाँ देखो एक ऑप्शन दिख रहा है BID सिंधरी धनबाद, ठीक है। तो यहाँ पे CS मेरा एक फर्स्ट नंबर का चॉइस हो गया ना। अब दूसरा मैंने CS की जगह डाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब सर्च कॉलेज करते हैं, ठीक है, IT आ गया, मैंने इसको भी ऐड कर दिया, ओके। तो ये मेरा दूसरा नंबर पे आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसी तरीके से डिटेल में सब करते जाएंगे, ECE डालेंगे, सर्च कॉलेज, ठीक है, BID सिंधरी का ECE, गवर्नमेंट कॉलेज सर्च मारते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग गवर्नमेंट ऑल सर्च कॉलेज, ओके। देखो मैंने उसी तरीके से जैसे आपको बताया, उसी तरीके से सारा ब्रांचेस मैंने भर दिया। सबसे पहले CS, उसके बाद IT, जस्ट सेम स्टेप फॉलो करना आपको, ECE, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, माइनिंग, ठीक है, मैंने उसी तरीके से भर दिया। अब आखिरी ब्रांच भर देते हैं, तो आखिरी ब्रांच चलो प्रोडक्शन भरते हैं, ठीक है। कॉलेज सर्च मारते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज BID सिंधरी आया हमारा, प्रोडक्शन जो ऑफर करता है हमको, ठीक है। और लास्ट ब्रांच हम लोग का प्रोडक्शन आ गया, ठीक है ना। तो मैंने सारा ब्रांचेस फिल कर दिया है, CS, IT, ECE, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये सेफ हो गया, तो ये सेफ, तो देखो मैंने सबको सेफ कर दिया है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सब सेफ हो गया 1 से 10 तक, ठीक है। CS, IT, ECE, नो मैटर वॉट रैंक यू आर गेटिंग, सब BID सिंधरी में सब भर दो, आपके रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा। मैंने बाकी सब YouTube चैनल पे देखा यार, वो लोग बोल रहे हैं कि बस आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। दिस इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड फीड, इसमें आप जो भरिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको वैसा ही मिलेगा। तो मतलब आप सब 1 से 10 तक सब भरते हो तो आपको आपका रैंक के हिसाब से बेस्ट ब्रांच मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका रैंक अगर ज़्यादा आया है, मतलब 1000 आया, तो सिर्फ आपको प्रोडक्शन भरना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सब भरते हो, मे बी आपका लक अच्छा है, तो आपको सिविल भी मिल सकता है, मेटल भी मिल सकता है, समझ रहे हो ना बात को। अगर आप भरोगे ही नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने सेव कर दिया चॉइस को, ठीक है, सेव कर दिया। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू, आपका जहाँ पे डिटेल्स था उसके नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ना, आप कौन कौन सा आपने ब्रांच भरा, किस टाइम पे भरा, ठीक है, कौन से राउंड है, राउंड 1, ठीक है, ये सब हो गया ना। अब लॉक फॉर्म ऑप्शन, अब यहाँ पे लॉक फॉर्म करना है, लॉक फॉर्म ऑप्शन आया इसमें, यहाँ पे आई हेयर बाई डिक्लेयर लॉक ऑप्शन फॉर्म, आपका ऑप्शन फॉर्म लॉक हो गया ना। तो ये लॉक हो गया, ठीक है, ये लॉक हो गया, आपने पेमेंट भी कर दिया था पहले। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले आपको पेमेंट करना है, आपका पेमेंट पहले होगा, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा ना। तो मैंने पेमेंट के रिगार्डिंग एकदम क्लियर कर दिया, बहुत सारों को डाउट था पेमेंट, भैया पेमेंट पहले करना है बाद में करना है, तो पेमेंट आपको पहले करना होगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। और मैंने चॉइस फिलिंग करके भी आपको दिखाया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द काउंसलिंग, दिस इज़ हाउ द काउंसलिंग, यू शुड फिल योर चॉइसेस इन द काउंसलिंग। और थैंक यू वेरी मच यार, इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, ठीक है, एंड बाय बाय एवरीवन।